प्रति कथा में स्मरण कराया जाता है चतुर न बना जाए, चतुर संसार के त्याग में बना जाए। मन क्रम वचन छाड़ चतुर भजत कृपा भजत भजते ही कृपा होती है। तो हो इन विषय विराग भवन बसत बा चौथपन मनुजी महाराज ने उत्तान पाद जी को राज दिया। माँ के संग में नैमी शारण की ओर चल दिए। नैमिष तीर्थ कैसा तीर्थ? वहां केवल वास कर लेने से सिद्धि हो जाती थी। अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। त्रेता में पुष्कर राज तीर्थ, द्वापर में कुरुक्षेत्र तीर्थ और वर्तमान कलयुग में जहां जहां गंगा जी की यात्रा है उस सब क्षेत्र तीर्थ। गंगा जी जिस क्षेत्र से गुजरती हैं, मेला लगता है ना कार्तिक में, माघ में, पूर्णिमासी अमावस्या को मेला लगता है और कोई कहता भी नहीं है। जहाँ जहाँ गंगा मैया हैं, तीन नदियों का संगम है, वहाँ भगत लोग पहुँचते ही हैं। कोई न प्रचार न प्रसार, अपने आप बना लेते। ये भक्तों की सहजावस्था है, भागवत स्थिति है। आप में से कई लोग, किसको गया होगा पत्र कार्ड, आइए आइए अयोध्या आइए। तीर्थ का स्मरण करके घर में रह ही नहीं पाते हैं, चल देते हैं, रचना भगवान बना देते हैं। रहते अच्छा नहीं लगता, चलो चलो तीर्थ हो आवे, चलो चलो एक दिन दो दिन जितना बन जाए। यह एक दो दिन तीर्थ क्षेत्र में आना ही साधक के मन को धीरे धीरे तैयार करता है। एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन छह दिन नौ दिन मन तैयार होता है। आपको अनुभव होगा मन तैयार होता है। एक हमारे श्री सदगुरु सदन आश्रम में रामायण जी के बड़े अच्छे जापक पाठक थे। मेन द्वार जो है उसके ऊपर रहते थे। बिहार प्रांत का शरीर था, गए गांव, सोचे थोड़े दिन गांव में पर घरे पर रह ले बच्चन के साथ है, बहुत दिन हो गया। और न जाने बच्चों से क्या उलझन भई कि अगले दिन कुएं में फाट पड़े। दसों साल यहाँ रहे श्रीधाम अयोध्या जी, तो क्या जरूरत थी ग्यारहवें वर्ष में वहाँ जाने की? यही सरजू जी में फाट पड़ते, सदगति तो होती। बाद में खबर चली कि वो तो कुछ ही न कुछ कह दिया परिवार वालों ने, वो कुएं में कूद गए। अब कूद गए तो कूद गए। देखिए साधक को एक बात पर सावधान रहना चाहिए। किस पर? यदि हम साधक हैं तो हमको बहुत छोटी बड़ी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, फिर हम साधक नहीं है। साधक है तो हमारा तो कुछ है ही नहीं है। किसका है? जो है वो इनका है। बहुत बुरी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा बहुत जल्दी जल्दी शीघ्र शीघ्र बुरी लग रही हो तो साधना बंद कर देना चाहिए, फिर चित्त की जो स्थिति है वो करना चाहिए।
अरे मैं भंडारे में गया और जगह नहीं थी, हमको बहुत बुरा लगा। तुम गए ही क्यों? क्यों गए थे? ठाकुर द्वारी प्रणाम करते चले जाते, रात्रि में जाते, अगले दिन जाते। भैया गए, यदि हम किसी के घर गए तो उसकी हमको बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। बुरी लगती हो तो वहां जाना नहीं चाहिए, लेकिन न जाने अगला क्या व्यवहार करे आपके साथ। हम तो गठरी उतार के जाते हैं, किसी के जाते हैं, लाद के नहीं जाते। हम अपने यहां नहीं लाद के जाते हैं जहां हमारा लिखा पढ़ी में घर है। कुछ भी हो सकता है, कहो सब कुछ मिले, कहो ठन ठन गोपाल कुछ न मिले। यदि गए ही हैं तो लाद के न कह लिए, मत बांधो गठरिया अपजस की, लाद के न चलो। साधक को बहुत बहुत बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, इससे साधना में विक्षेप आता है।